फाइनली यहां पर iOS 18.1 का पब्लिक बीटा 1 का जो नया अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। इस अपडेट में आप लोगों को एप्पल इंटेलिजेंस और कॉल रिकॉर्डिंग और भी काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने अभी तक हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर iOS 18 अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहां पर मोस्ट अवेटेड हमारे आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो आ चुका है। अगर फोन डायलर में जाएंगे, किसी को कॉल भी लगाएंगे तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का। तो इसको आप यहाँ पर टैप करके कॉल रिकॉर्डिंग है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है जहां पर आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो स्टोर होने वाला है। अब यहाँ पर जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करने के लिए सिंपल सा इस बटन पर आप टैप करेंगे, कॉल को कट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर व्यू सेव कॉल लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है विद ट्रांसक्राइब यहाँ पर आप लोगों को शो करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टैप करेंगे तो गाइस आप अपना जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन सकते हैं। तो ये गाइस काफी कमाल का फीचर है जो कि मोस्ट अवेटेड था। अब फाइनली आपके आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी डिवाइस में iOS 18.1 का पब्लिक बीटा आया है उसमें ये फीचर आ चुका है। अब यहाँ पर इस अपडेट में आप लोगों को कंट्रोल सेंटर में भी चेंजेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो लास्ट वाले ऑप्शन जहां पर हम डेटा ऑन करते थे, वाईफाई ऑन ऑफ करते थे, तो उसका जो लेआउट है वो अगेन चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टॉप पर एयरप्लेन मोड, फिर वाईफाई, एयरड्रॉप, सेलुलर डेटा, ब्लूटूथ देखने को मिल चुका है। इसको अनेबल करने के लिए सिंपल सा गाइस यहाँ पर आप टैप करेंगे इस टॉगल बटन पर तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। क्योंकि मुझे काफी टाइम से इंतजार था कि ऐसा कोई फीचर आ जाए जहां पर हम इजीली इसको एक्टिवेट कर पाए, तो वो फाइनली फीचर है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बग्स भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा कंट्रोल पैनल है उसमें दूसरा पेज क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो राइट नाउ है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 1, 2 और 3। पर जैसे मैं कंट्रोल सेंटर को ऑफ करता हूँ, अगेन ऑन करूंगा और जैसे स्वाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं वापस यहाँ पर जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। जितनी भी बार आप गाइस इस पेज को रिमूव करेंगे उतनी बार ये पेज अगेन क्रिएट हो जाता है। तो कंट्रोल सेंटर में एक बग भी मेरे को देखने को मिला है। अब यहाँ पर मेरे को एक और चेंजेस देखने को मिला है कि आप किसी भी सिस्टम ऐप को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मैसेज को लॉक कर सकते हैं, अपना जो नोट है उसको आप लॉक कर सकते हैं, अपना जो गैलरी है उसको लॉक कर सकते हैं। पहले के अपडेट में गाइस आप सारी सिस्टम ऐप को लॉक नहीं कर पाते थे बट अब फाइनली वो यहाँ पर अब फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को आई मैसेज में भी दो तीन नए फीचर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि सबसे पहला है एनिमेशन। अब एनिमेशन कहाँ, अगर आप यहाँ पर प्लस बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पर आप अगर साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कूल एनिमेशन है वो देखने को मिल जाता है। पहले वाले अपडेट में मेरे को ऐसा एनिमेशन तो देखने को नहीं मिलता था बट ये जो नया अपडेट आया उसमें मुझे एनिमेशन देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनली आप किसी भी आई मैसेज को विद स्टिकर आप यहाँ पर रिएक्शन दे सकते हैं। सिंपल सा किसी भी आप मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस सिंपल सा इमोजी बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी स्टिकर क्रिएट किया हुआ है उसे उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कीबोर्ड का रिएक्शन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आप स्टिकर भी एज अ रिएक्शन सेंड कर सकते हैं। iOS 18.1 के जीरो अपडेट था यहाँ पर ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल नहीं था बट 18.1 में ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। तो अभी तक जो हमने फीचर्स की बात करे वो सिर्फ और सिर्फ गाइस 15 प्रो के बिलो के जो भी डिवाइस है उसमें आए हैं। अब यहाँ पर 15 प्रो और जो भी iPad यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है तो इस नए iOS 18.1 के अपडेट में या फिर गाइस iPadOS 18.1 के अपडेट में आए हैं वो भी काफी सारी चेंजेस देखने को मिल जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं बट इस वीडियो के एंड में काफी सारी और भी इश्यू है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस है वो देखने को मिल जाता है इस नए अपडेट में। सिंपल सा वेटिंग लिस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है तो विद इन अ फ्यू मिनट में आपका यहाँ पर जो पार्टिसिपेट है वो अप्रूव हो जाएगा और आप लोगों को जो नया एप्पल इंटेलिजेंस है वो देखने को मिल जाता है। सिंपल सा आप यहाँ पर कंटिन्यू करते जाएंगे तो काफी सारे जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मेरे को फीचर लगा वो है गाइस यहाँ पर सीरी एनिमेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो सीरी एनिमेशन है
वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आस्क सीरी करके भी नया फीचर्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आप किसी भी मैसेज को टाइप करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा, आपके लिए यहाँ पर इंटरनेट से सब कुछ फाइंड आउट भी करेगा। सिंपल सा इस बटन पर आपको टैप करना है तो आपके लिए जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर फोटोज ऐप में क्लीनअप का जो नया फीचर है वो हमारे पब्लिक बीटा में आ चुका है। सिंपल सा आप फोटो एडिटर में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्लीनअप का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सिंपल सा इस क्लीनअप बटन पर आप टैप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ऑटो सजेस्ट कुछ एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप टैप करेंगे तो जो भी अनवांटेड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपकी डिवाइस से रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट ही रिमूव करना है तो सिंपल सा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो विद इन अ वन क्लिक में गाइस आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। राइट नाउ ये अंडर बीटा में है, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होगा, बट मुझे पर्सनली फीचर काफी मस्त लगा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी ये ट्राई करना है कि आपको एक कैसा फीचर लगा है। यहाँ पर आप बिफोर और आफ्टर दोनों को चेकआउट भी कर सकते हैं, जिसको आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एप्पल मेल को यूज करते हैं तो आप लोगों को एक और नया फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि वो है समराइज। तो यहाँ पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपका पूरा मेल है उसको ये रीड करेगा और शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताएगा ये क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर गाइस अगर आप यहाँ पर मेल का यूज रेगुलर करते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फीचर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें नया एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स की, जो कि वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है सफारी या फिर किसी भी नोट टेकिंग ऐप में। यहाँ पर सिंपल सा आपका जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है किसी भी वेबसाइट से, यहाँ पर टैप करना है तो आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राइटिंग टूल्स करके। जैसे ही वहां पर टैप करेंगे तो जो नया एआई फीचर है वो आपकी डिवाइस में आ चुका है, जहां पर आप प्रूफ रीड करवा सकते हैं, रीराइट करा सकते हैं, फ्रेंडली टोन प्रोफेशनल टोन में भी इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरा आर्टिकल आपको रीड नहीं करना है, सिंपल सा उसका समरी चाहिए कि ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है तो भी कर सकते हैं। सिंपल सा जैसे ही आप टैप करेंगे तो विद इन गाइस फ्यू सेकंड में ये पूरा समरी क्रिएट करके आ जाएगा कि पूरा वेबसाइट का आर्टिकल क्या कहना चाहता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये होने वाला है। ये सभी फीचर राइटिंग टूल्स के आप अपने नोट्स में, व्हाट्सएप में, मेल में, आई मैसेज में, किसी भी जगह गाइस इसको यूज कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फीचर होने वाला है। इसके बाद एक और नया एआई फीचर देखने को मिला है, वो आप लोगों को फोटोज ऐप में देखने को मिल जाता है, जो कि वो है क्रिएट अ मेमोरी मूवी। जैसे ही वहां पर टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आके कुछ भी आप टाइप करेंगे तो आपके जो भी फोटोज है उसमें से ये मूवी क्रिएट कर देगा। सिंपल सा आपको कुछ भी टाइप करना है, जैसे कि मैं 2021 लिख देता हूँ, फिर अपना जो नाम है वो लिख देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई सॉन्ग चाहिए तो वो भी आप लिख देंगे। इसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गाइस आपका जो मूवी है वो यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं काफी कूल एनिमेशन के साथ आप लोगों को ये जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में भी काफी सही है और आप लोगों को यहाँ पर काफी सारा टाइम है वो भी बचने वाला है। तो डेफिनेटली ये जो फीचर है उसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और नया एआई समरी आ चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नया सिंबल आ जाएगा जहां पर समराइज होगा। अगर वहां पर आप टैप करेंगे तो जितने भी गाइस आपका रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैसेज होगा वही आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा। सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको समराइज प्रीव्यू करके जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद गाइस आपकी डिवाइस में यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपना समराइज होके आएगा। तो आपके यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट मैसेज है वही सिर्फ आप लोगों को शो करेगा। तो ये जो सारे फीचर है वो राइट नाउ एप्पल इंटेलिजेंस के iPhone 15 Pro, Pro Max, iPhone 16 की सीरीज और इसके अलावा जो भी iPad M सीरीज में आता है उसमें ये जो नया फीचर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब क्या आप लोगों को ये जो नया अपडेट है 18.1 बीटा 1 उसको डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं, तो डेफिनेटली ये अपडेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दो तीन बग्स जैसे मैंने आपको बताए, उसके अलावा कोई मेजर आपको बग्स या कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। काफी सारे नए फीचर जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग, एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाता है, तो उसके हिसाब से ये वाला जो अपडेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर अभी तक कोई बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर जो बैटरी इंप्रूवमेंट है वो भी मुझे देखने को मिला है, जो कि अच्छा खासा बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में गाइस थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर जो लैग है वो देखने को मिला है कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या आपने अभी तक iOS 18.1 का बीटा 1 डाउनलोड किया है या फिर नहीं, और क्या डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को कोई इश्यू अपने आईफोन में देखने को मिला है
या फिर नहीं। तो ऐसे ही अमेजिंग आईफोन के रिलेटेड वीडियो देखने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेकर्स को जरूर सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।